हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टूडियोस्कोपी VFX या बहुत लोग करते हैं इसे डबल प्लेट। इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूक पे हम लोग लेफ्ट एंड राइट व्यू में कैसे वर्क करते हैं, फोटोशॉप पे कैसे काम करते हैं, और सीखेंगे सिलोट पे भी पेंट करना। सिलोट पे कुछ रोटो भी सीखेंगे लेफ्ट एंड राइट कैसे करते हैं अपने पेंट के यूज के लिए। ओके, डबल प्लेट क्या है बहुत लोग को पहले से पता है, बहुत लोग को नहीं पता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डबल प्लेट होता क्या है। डबल प्लेट क्या होता है कि एक इनपुट के अंदर दो प्लेट रहते हैं, इसमें लेफ्ट एंड राइट रहता है। हमें जो भी काम करना, अगर हम लोग लेफ्ट प्लेट में काम करते हैं तो राइट में शिफ्ट करना कंपलसरी है, पर हमें ध्यान रखना है कि उसका स्टीरियोस्कोपी मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता तो आपको हमेशा फीडबैक मिलेगा, ये कंपलसरी आपको मैच करना है। जो भी प्लेट आप लेफ्ट में बनाओगे उस प्लेट को राइट में शिफ्ट करना पड़ता है। अगर राइट में काम करते हो तो राइट का प्लेट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ता है। आपको ध्यान से ही शिफ्ट करना है और स्टीरियोस्कोपी प्रॉपर मैच करना है। इसमें एक फ्रेम भी मिसमैच होगा तो आपको क्लाइंट फीडबैक देगा। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक्स भी बताने वाला बहुत सारा। इसके पूरे सीरीज बनेंगे जिसमें हम पूरा ट्रिक्स बता देंगे आपको, कैसे सेल्फ क्यूसी करना है, कैसे हर चीज करना है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में मेरे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। सो वीडियो में स्टार्ट करते जाते हैं हम न्यूक में। पहले न्यूक में आप देख सकते हो गाइस, यहाँ लेफ्ट प्लेट अलग है और राइट प्लेट अलग है मेरा। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये तो मैं करके रखा हूँ, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको खुद से लेफ्ट अलग करना पड़ेगा, राइट को अलग करना पड़ेगा। तो जो पूरा प्रोसेस है ये आपका बेसिक क्लास वन है, इसमें मैं बताने वाला आपको है कि जो प्रोसेस होता है कैसे करते हैं हम लोग लेफ्ट प्लेट अलग और राइट प्लेट अलग। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, ये समझ लो आप, मेरा क्लाइंट जो दिया है मुझे, ये क्लाइंट जो दिया है मुझे प्लेट, ये आपका एक सिंगल प्लेट है, इसके अंदर दो प्लेट है। जब भी आप क्लाइंट से प्लेट मिलेगा या ऑफिस में काम करते हो तो जब भी आपको ऐसा प्लेट मिलेगा इसके अंदर दो प्लेट रहेगा, आपको वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है लेफ्ट एंड राइट, वो भी शो नहीं करता। वो कब शो करता है, जब आप इस पर डायगोनल ड्रॉप करोगे प्लेट। डायगोनल ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार एस प्रेस करना है। ओके, एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे आना आपको व्यू के अंदर। ओके, आपको नीचे आना है, नीचे देखोगे यहाँ लिखा हुआ है एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद ही आपका जो ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट ये शो करता है। तो जब भी आपको पहला बार आपको प्लेट ऐसा मिले जिसमें ग्रेन भी रहता है, ओके, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट शो नहीं करता है, तो शो करने के लिए आपको ये ऑप्शन पहले ऑन करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार। मैं प्लेट डिलीट करता हूँ, फिर से कॉपी करता हूँ साइड में, इसको आप क्लाइंट का प्लेट समझो या ऑफिस का प्लेट समझो, इसको इसको सिलेक्ट करो वन प्रेस करके, इस पर एस प्रेस करो। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आपको आना है, पहले रूट रहेगा, रूट से व्यू में आना है, नीचे आना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे दो व्यू बन जाएगा, लेफ्ट राइट। कभी कभी बनता है मेन, अगर आपका यहाँ पे मेन लेफ्ट राइट बनेगा तो मेन जो है उसको माइनस से डिलीट कर सकते हो। इसे यहाँ पे क्लिक करोगे माइनस कर दोगे डिलीट हो जाएगा वो। ओके, जो मेन व्यू रहेगा उसको मत लेना, लेफ्ट एंड राइट ही व्यू लेना आप हमेशा। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तब क्या करना है आपको है, यहाँ पे जो है जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट करोगे ना तो सिंगल प्लेट पे ही ये आपका ऐसे मूव होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना वन वन टू, तो ऐसे वो मूव होगा। ओके, तो अभी जो मेरे पास जो प्लेट है ये प्लेट मैंने यूट्यूब से निकाला है, तो अभी मेरे पास वैसा प्लेट नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ पूरा, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप समझो कि प्रोसेस क्या करना है। तो अभी कैसा है, ये होने के बाद हमें एक सिंगल प्लेट को ऐसे डिवाइड करना है, लेफ्ट अलग और राइट अलग। तो अब जब आप ऐसा कर लोगे प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला प्रोसेस, उसके बाद क्या करना है, सो अब आपको डीग्रेन करना है। तो डीग्रेन कैसे करते हैं, सब क्या करते हैं, रिड्यूस नॉइस लेते हैं। ओके, बहुत लोग डी नॉइस लेते हैं, पर हमें ना रिड्यूस नॉइस यूज करना है ना डी नॉइस यूज करना है। इस प्लेट में हम लोग यूज करते हैं सफल नोड। सफल जो नोड है हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं रिड्यूस नॉइस करने के लिए। यहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं करेगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी आप ऐसे प्लेट पे काम करोगे उस सफल नोड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको डी नॉइस का ऑप्शन कभी कभी यहाँ शो कराता है, कभी कभी इसके अंदर आपको डी नॉइस का ऑप्शन शो करेगा। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यूट्यूब से प्लेट डाउनलोड किया है। जब भी आप ऑफिस में काम करोगे डबल प्लेट पे वर्क करते हो या फिर क्लाइंट आपको कभी देता है काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे जैसे ही सफल नोड लगाओगे उस यहाँ पे डी नॉइस का ऑप्शन शो करेगा। कभी कभी यहाँ भी शो करता है, इसके आसपास शो करता है डी नॉइस का। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये फुटेज डी नॉइस हो जाएगा। आप इसको वन टू करोगे तो आपका यहाँ पे दिखाएगा रिड्यूस नॉइस जो है हट जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर से जो लेफ्ट राइट प्लेट रहेगा उसको अलग कर लेना है, क्योंकि आपको पहले
अलग अलग प्लेट पे काम किया जाता है ना, जैसे लेफ्ट में करना तो लेफ्ट में करो, राइट में करना तो राइट में करो, इसलिए पहले प्लेट को हम लोग उसके अंदर से अलग कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको है, यहाँ पे टैप प्रेस करना है, स्प्लिट एंड ज्वाइन, स्प्लिट एंड ज्वाइन बोल के आता है, यहाँ दो है, ऊपर एक नीचे, हमें वो नहीं लेना, हमें लेना है व्यू वाला, यहाँ जो व्यू लिखा हुआ है ये लेना है हमको। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ व्यू पे आना है, यहाँ भी ऑप्शन दिया स्प्लिट एंड ज्वाइन, यहाँ क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ज्वाइन व्यू हमें नहीं चाहिए, ज्वाइन व्यू कब यूज करना है, जब पूरा काम हमारा होता है तब तो ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक ही प्लेट में दोनों रेंडर फिर से कंपाइल हो जाता है, तो ज्वाइन व्यू हमें यूज नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कब यूज करना है। ओके तो लेफ्ट और राइट हमारा अभी अलग अलग हो गया, आप इसको कलर भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये मेरा, तो क्या करना है सेम करना है आपको, यहाँ पे एस प्रेस करना है, व्यू में आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ यूज द कलर, जैसे ही करोगे आप तो ये रेड और ग्रीन शो करेगा। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट व्यू को हमें अलग रेंडर कर लेना है, तो रीफॉर्मेट लगा के और राइट नोड लगा के, सेम इसको भी राइट नोड लगा के रीफॉर्मेट लगा के इसको रेंडर कर लेना है, तो सेम जैसे रेंडर करते हैं आप न्यूब पे वैसे रेंडर कर लेना है। मैं आपको बस एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट टू ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे लेफ्ट इनपुट, ओके, और इसको ऐसे कॉपी करके लेफ्ट को लेफ्ट में दे देना, शॉर्ट का नाम से दे देना बेटर रहेगा, जैसे शॉर्ट का नाम आपका ये है, ओके, तो जो भी नाम है यहाँ पे लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट अंडरस्कोर इनपुट इनपुट, मेरा जेपीजी है, तो आप जो भी ईएक्सआर रहेगा तो ईएक्सआर देना, जो से रहेगा आपका फुटेज वैसा देना आप। ओके राइट का भी सेम मैं करता हूँ, राइट का मैं बना देता हूँ एक अलग सा राइट इनपुट, मैं ही ले लेता हूँ पूरा। ओके तो आप ऐसे भी नाम नेमिंग कुछ भी दे सकते हो जिससे समझ आपको आए। अब इसको आप रेंडर कर लेना है, तो अभी तो मेरा ऑलरेडी रेंडर मैंने करके रखा है, सो लेफ्ट राइट, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, पर रेंडर करने से पहले एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये आपका लेफ्ट व्यू अलग हो गया, राइट व्यू अलग हो गया, कभी कभी क्या होता है ना, हम जो कुछ भी काम करते हैं तो लेफ्ट व्यू जो कभी कभी ना राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे टैप प्रेस करना है, यहाँ लेना है आपको वन व्यू बोल के आता है, इसको ले लेना, इससे क्या होता है हम लॉक कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लेफ्ट व्यू लगाया, यहाँ नीचे लगा दोगे और यहाँ पे लेफ्ट कर दोगे तो ये लॉक हो जाता है, मतलब आपका लेफ्ट व्यू से राइट व्यू में शिफ्ट नहीं कभी होगा। ओके सेम चीज आप लेके इधर भी लॉक करके राइट कर सकते हो, तो राइट का व्यू लेफ्ट कभी नहीं आएगा, तो ये लॉक कर सकते हो। ओके तो इसको अब रेंडर कर लेना यहाँ से, इसको रेंडर अब यहाँ से कर लेना, करने के बाद आपको ऐसा प्लेट मिल जाएगा लेफ्ट राइट, जैसे आपने रेंडर यहाँ पे किया, सपोज मैंने रेंडर यहाँ पे किया है लेफ्ट राइट, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ न्यू में, ओके तब आपका सिंगल प्लेट से ऐसे वन टू ऐसे शिफ्ट होगा। तो अब जो काम करने का प्रोसेस है वो कैसे करना है, आपका जो इस शॉर्ट पे इंटरेशन है उसका ये है, हमें ये निकालना है। ओके तो अभी जो हमें काम करना है, तो हम किस प्लेट में पहले काम करेंगे वो जानना है, तो सब आपको ये निकालना है, तो आपको देखना है कि किस प्लेट में आपका शार्पेन पहले है, अगर राइट प्लेट में शार्पेन ज़्यादा है और ज़्यादा सोर्स मिल रहा है तो राइट प्लेट पे काम करेंगे, अगर लेफ्ट प्लेट में ज़्यादा शार्पेन मिल रहा है, ज़्यादा सोर्स मिल रहा है तो लेफ्ट प्लेट में काम करेंगे, अगर सोर्स कम मिल रहा है लेफ्ट प्लेट में और राइट प्लेट ज़्यादा मिल रहा है और राइट प्लेट ब्लर है तो राइट ब्लर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लर शार्पेन नहीं बना सकते, शार्पेन से हम ब्लर बना सकते हैं। ठीक है तो हम लोग ये बात ध्यान रखना, जब भी जो प्लेट शार्पेन रहेगा उसमें काम करते हैं। ओके तो अभी आपको जानना कैसे कि कौन सा प्लेट शार्पेन है, तो सपोज एग्जाम्पल में आपको काम यहाँ पे करना है, आपको ट्रांसफॉर्म नोड लेना है, लेने के बाद किसी में भी लगा दो ऐसे, इसको वन करो इसको टू करो, अब जिस एरिया पे काम चाहते हो करना उस एरिया पे इसको पहले कंट्रोल लेफ्ट से मूव करो और एक बार मैच करो ऐसे, जैसे ही मैच करोगे जो एरिया शार्पन रहेगा वो दिखेगा, अभी ये मेरा ब्लर दिख रहा है, इस शार्पन दिख रहा है, ओके मतलब राइट साइड मेरा शार्पन है, लेफ्ट साइड थोड़ा ब्लर है, तो हम क्या करेंगे राइट प्लेट पे काम करेंगे, तो ऐसे करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा बेसिक क्लास वन था जिसमें आपको बता दिया मैंने
जब भी आपको शॉट मिले क्लाइंट से, आपको प्रोसेस पहले ये करना है, सबसे पहले डिनोइस करना है, उसके बाद दोनों को अलग करना है। अलग करने के बाद हमें देखना है किस व्यू में काम करना है, एनोटेशन क्या है वो चेक कर लेना है, उसके बाद हमें देखना है किस व्यू में काम करना है। काम करने का जो प्रोसेस है ऐसे ही करना है आपको। अगर आप यहाँ पे भी गलती करते हो, अगर गलती से आप ब्लर पेट में काम करते हो राइट में शिफ्ट नहीं कर पाओगे, अगर लेफ्ट प्लेट में काम करते हो अगर वो ब्लर है तो राइट में शिफ्ट नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि शार्पन प्लेट पे ही काम करना है हमें, उसके बाद ही हम शिफ्ट कर सकते हैं। जो प्रोसेस रहेगा कैसे काम करना है, कैसे हम लोग इसको रिमूव करेंगे, सारा बताऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस।